नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर निधि गर्ग आज जन स्वास्थ्य प्रोग्राम के अंतर्गत आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकती है। यदि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उस देश में संसाधन नहीं है या रोजगार नहीं है तो वह एक चिंता का कारण बन सकती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत में किस तरह शुरू हुआ और इसके अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिवार नियोजन का इतिहास, भारत में इसका स्टार्ट कैसे हुआ। भारत दुनिया में पहला देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। वर्तमान में इस कार्यक्रम को न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है, बल्कि यह कार्यक्रम प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देता है तथा इसके साथ साथ मातृ शिशु और बाल मृत्यु दर एवं रोग दर को भी कम करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। मिशन परिवार विकास। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2016 में मिशन परिवार विकास की शुरुआत की। मिशन परिवार विकास सर्वाधिक कुल प्रजनन दर वाले देश के 7 राज्यों के जिलों में शुरू किया गया था। ये 7 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम की मुख्य रणनीतियाँ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बढ़ते हुए गर्भ निरोधकों की ज़रूरत को देखते हुए 2 नए विकल्प उपलब्ध कराए हैं। नए गर्भ निरोधकों जिसमें अंतरा कार्यक्रम के तहत इंजेक्शन, गर्भ निरोधक MPA और गर्भ निरोधक गोली छाया, पहले सहेली के नाम से जानी जाती थी, की शुरुआत की है। ये सभी गर्भ निरोधक वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रसव उपरांत परिवार नियोजन सुविधाएं बढ़ाना, जिसके तहत संस्थागत प्रसव में PPIUCD पोस्टपार्टम इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पर जोर देना है। FWP यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एक परिवार में 2-2 बच्चों के लिए जोर देना, 2 बच्चों के जन्म के बीच में अंतर बनाने के लिए टर्मिनल अर्थात स्थायी विधि पर जोर देना, IUCD जैसी अंतर पद्धति पर बल देना, परिवारों को छोटे परिवार के आदर्शों को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए घर घर जाकर जानकारी प्रदान करना, लड़कों और लड़कियों दोनों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, स्तनपान पर प्रोत्साहन, विवाह का उचित समय पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखना, लोगों की जिंदगी के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक कार्यक्रमों की शुरुआत करना, गरीबों को परिवार नियोजन उपायों को अपनाने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, कठपुतली के माध्यम से परिवार नियोजन की व्यापक जागरूकता संचारित करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता है जन्म दर कम करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जीवन स्तर के सुधार के लिए, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु के लिए, अनचाहे गर्भ की रोकथाम के लिए। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? जन्म नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग को परिवार नियोजन कहा जाता है। गर्भ निरोध को जन्म नियंत्रण और प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्भधारण को रोकने के लिए विधियां या उपकरण हैं। ये सुरक्षित यौन संबंध जैसे पुरुष या महिला निरोध का उपयोग से यौन संचारित संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकता है। अर्थात जब हम परिवार को नियोजित करते हैं या जन्म किस प्रकार हो, कब हो, इसका हम जब नियोजन करते हैं तो उसे हम परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन का अर्थ है यह तय करना कि आपके कितने बच्चे हों और कब हों। अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो अनेक उपलब्ध साधनों में से कोई एक साधन चुन सकते हैं। इन्हीं साधनों को परिवार नियोजन के साधन, बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने के साधन या गर्भ निरोधक साधन कहते हैं। परिवार नियोजन के लाभ। माताएं तथा बच्चे अधिक स्वस्थ होंगे क्योंकि जोखिमपूर्ण गर्भों की रोकथाम हो जाती है। बच्चों की कम संख्या का अर्थ है प्रत्येक बच्चे के लिए अधिक व संतुलित भोजन, अपनी शिक्षा पूरी करने तथा अपना भविष्य सुदृढ़ करने का अवसर व समय मिलता है। अगर बच्चे कम हैं तो जीवन साथी एक दूसरे व बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। आइए जानते हैं परिवार नियोजन के उपाय क्या क्या हैं। परिवार नियोजन के उपायों में हम इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक है अस्थायी उपाय और एक है स्थायी उपाय।
सबसे पहले जानते हैं अस्थायी उपाय को। ऐसा उपाय जिसे जब चाहे बंद करके पुनः गर्भधारण किया जा सकता है। इसका उपयोग दो बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है स्थायी उपाय। ऐसा उपाय जिसके बाद पुनः गर्भधारण नहीं किया जा सकता। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका परिवार पूरा हो चुका है और उन्हें आगे बच्चे पैदा नहीं करने हैं। सबसे पहले जानते हैं अस्थायी उपाय ये कितने प्रकार के हैं और क्या क्या हैं। ये तीन प्रकार के हम मुख्यतः इनको तीन भागों में बांटते हैं। अवरोधी उपाय, अंतर गर्भाशय उपकरण जिसे हम IUCD कहते हैं, और तीसरा है हार्मोन युक्त औषधियाँ। सबसे पहले जानते हैं अवरोधी उपाय अर्थात बैरियर मेथड। ये तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक अवरोध, रासायनिक अवरोध और मिश्रित अवरोध। सबसे पहले हम शारीरिक अवरोध में देखते हैं, इसमें आते हैं कंडोम महिला या पुरुष, डायफ्राम और तीसरा योनि स्पंज। रासायनिक अवरोध में आते हैं क्रीम, फोम, सपोजिटरी। और मिश्रित अवरोध में आते हैं शुक्राणुनाशी कंडोम या जिसे हम स्पर्मिसाइडल कंडोम कहते हैं या शुक्राणुनाशी डायफ्राम। दूसरा है अंतर्गर्भाशय उपकरण IUCD। इसमें आते हैं लूप, कॉपर्टी, हार्मोन स्रावी कॉपर्टी। आप चित्र में विभिन्न प्रकार के कॉपर्टी और लूप के वगैरह देख सकते हैं। तीसरा है हार्मोन युक्त औषधियाँ। ये औषधियाँ अंडोत्सर्जन में अवरोध पैदा करती हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, खाने की गोलियाँ जिसे हम कंबाइंड पिल्स या मिनी पिल्स कहते हैं, इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा जो 3 महीने तक गर्भधारण नहीं होने देता है, सब डर्मल इम्प्लांट यह त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में धीरे धीरे जाती है और गर्भधारण को रोके रखते हैं। स्थायी उपाय पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं, तो इसमें आते हैं नसबंदी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में सामान्य जिसे हम वैसेक्टमी कहते हैं, दूसरा है NSV नॉन स्केलेपल वैसेक्टमी अर्थात चाकू रहित वैसेक्टमी। महिला नसबंदी में ओपन ट्यूब लाइगेशन या फिर लैप्रोस्कोपिक ट्यूब लाइगेशन आते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, नसबंदी में जो पुरुष की वैसेक्टमी है, जो शुक्राणु को लेने के जाने वाली डक्ट्स हैं उनको हम काट देते हैं, और ऐसे ही महिला में जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको हम काट देते हैं और लाइगेट कर देते हैं। सबसे पहले हम अस्थाई का जो हमने साधन देखे हैं उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पुरुष कंडोम, यह रबर की पतली झिल्ली की बनी हुई लिंग के आकार की एक थैली होती है जिसका प्रयोग पुरुष संभोग के दौरान करता है। संभोग में निकलने वाले शुक्राणु इस थैली में ही रहते हैं, इसलिए वे महिला के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये बाजार में निरोध, BLLS, मस्ती आदि नामों से उपलब्ध हैं। इनको बरतने में सावधानियाँ क्या क्या हमें देखनी चाहिए। संभोग की हर क्रिया के लिए एक नया कंडोम का प्रयोग करें। संभव हो तो केवल लेटेक्स का बना कंडोम ही प्रयोग करें। ये HIV के विरुद्ध सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। कंडोम को हमेशा ठंडे सूखे स्थान पर धूप से बचाकर रखें। कटे फटे पुराने पैकेटों में रखे कंडोमों के खराब होने की आशंका रहती है। खाद्य तेल, शिशु तेल, खनिज तेल, पेट्रोलियम जेली, त्वचा के लोशन या मक्खन जैसे चिकनाइयों का कंडोम के साथ कदापि प्रयोग ना करें। इनसे कंडोम फट सकता है। अगर पैकेट फटा हुआ है या चिपका हुआ है तो उसे प्रयोग ना करें। चिपचिपे व सख्त कंडोम का भी प्रयोग ना करें। इसके लाभ क्या हैं? यह सस्ता है, आसानी से वहन किया जा सकने वाला साधन है। एड्स, HIV, STD के जोखिमों से बचाव करता है। यह सर्विक्स के घाव अथवा संक्रमण को कम करता है। प्रयोग करने में सुविधाजनक है तथा अन्य पद्धतियों अथवा फोम टैबलेट के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी हानि क्या है? कुछ दंपतियों को यौन संबंध में कम आनंद अनुभव होता है और इसे सही तरीके से प्रयोग ना किए जाने पर तथा लीकेज के कारण यह असफल भी हो सकता है। महिला कंडोम, महिला कंडोम जो योनि में फिट हो जाता है और योनि के बाहरी भाग प्रकोष्ठों को ढक लेता है, संभोग से पहले कभी भी योनि में लगाया जा सकता है। इसे केवल एक ही बार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इसे धोकर फिर से प्रयोग किया गया तो यह फट सकता है। गर्भ व STD जिसमें HIV एड्स भी शामिल है, से बचाव के उन साधनों में जिन पर महिला का नियंत्रण होता है, यह सर्वाधिक प्रभावी साधन है। परंतु इसे पुरुष कंडोम के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंतर्गर्भाशयी उपकरण IUD इंट्रायूटराइन डिवाइस। IUD पॉलीएथिलीन फ्लेक्सिबल युक्त एक छोटा सा उपकरण या साधन होता है जो किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा भी महिला के गर्भाशय के अंदर लगाई जा सकती है। यह पुरुष के शुक्राणु द्वारा महिला के अंडे को निषेचित करने से रोकती है। इसके लंबी अवधि तक कारगर रहने के कारण यह अपनी प्रभावशीलता के कारण प्रसिद्ध है। यह गर्भाशय में 10 वर्षों तक छोड़ी जा सकती है।
यह आईयूडी के प्रकार पर निर्भर करता है। आप चित्र में देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के अंतर्गर्भाशय उपकरण और गर्भाशय में इसकी क्या स्थिति रहती है, ये भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आईयूडी का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? यदि कोई महिला गर्भवती है या उसे गर्भधारण का शक है, यदि किसी महिला को कभी भी गर्भाशय या फैलोपियन नलिकाओं का संक्रमण हुआ है या प्रसव अथवा गर्भपात के पश्चात संक्रमण हुआ है तो आईयूडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला को फैलोपियन नलिकाओं में गर्भ यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला को महावारी में अत्यधिक दर्द या रक्तस्राव होता है, यदि किसी महिला को गंभीर एनीमिया या अर्थात खून की कमी है तो भी आईयूडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके सामान्य दुष्प्रभाव क्या हैं? आईयूडी लगवाने के बाद पहले सप्ताह में महिला को हल्का सा खून जा सकता है। कुछ महिलाओं को अधिक समय तक दर्द व रक्तस्राव, लंबी चलने वाली महावारी होने लगती है। आमतौर पर ये दुष्प्रभाव 3 महीनों में ठीक हो जाते हैं। हार्मोनल गर्भ निरोधक साधन। इन साधनों में ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक 2 हार्मोन होते हैं जो महिला के शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जैसे होते हैं। हार्मोन युक्त साधन में सम्मिलित हैं गर्भ निरोधक गोलियां जिन्हें महिला को प्रतिदिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन जो कुछ महीनों के बाद दिए जाते हैं, इम्प्लांट्स जिन्हें महिला का बाह में त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है और ये कई वर्षों तक प्रभावशाली रहते हैं। ये हार्मोन युक्त साधन महिला के अंडाशयों से अंडे का विसर्जन रोककर प्रभावशाली होते हैं। ये गर्भाशय के मुख पर उपस्थित श्लेष्म को भी गाढ़ा बना देते हैं ताकि शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकें। अधिकांश गर्भ निरोधक गोलियों और कुछ इंजेक्शन में एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। ऐसे साधनों को संयुक्त गोलियां या संयुक्त इंजेक्शन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन एक साथ असर दिखाकर गर्भधारण के विरुद्ध अति उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। हार्मोन युक्त साधनों के दुष्प्रभाव। क्योंकि हार्मोन युक्त साधन में वे ही रसायन होते हैं जिन्हें महिला का शरीर गर्भावस्था में बनाता है, इसलिए इनके प्रयोग के शुरू के कुछ महीनों में ये सब लक्षण हो सकते हैं, जैसे जी मितलाना, सिर दर्द, स्तनों में सूजन, महावारी में परिवर्तन। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर शुरू के 2-3 महीनों के बाद ठीक हो जाते हैं। गर्भ निरोधक गोली। परिवार कल्याण केंद्रों पर निम्नलिखित खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियाँ उपलब्ध रहती हैं। यह है मिश्रित, जिसे हम कंबाइंड गोलियां कहते हैं, मिनी गोलियां या पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। संयुक्त गोलियों का सेवन कब नहीं करना चाहिए या कराना चाहिए? यदि किसी महिला को पीलिया है, कभी भी लकवा, पक्षाघात या हृदय रोग हुआ है, पैरों या मस्तिष्क शिराओं में खून का थक्का जमा है, यदि किसी महिला को आधा सीसी माइग्रेन का सिरदर्द रहता हो, यदि किसी महिला की 40 वर्ष से अधिक आयु है और धूम्रपान करती है, यदि कोई महिला मधुमेह, हृदय रोग, छाती के कैंसर से पीड़ित है और 6 महीने से छोटे बच्चे को स्तनपान करा रही है। अब हम जानते हैं स्थायी उपायों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है पुरुष नसबंदी, जिसे हम मेल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की अपेक्षा अधिक आसान, सस्ती तथा सुरक्षित है। इसके बाद पूर्णतः स्वस्थ होने में कम समय लगता है और जटिलताएँ भी कम होती हैं। इनमें से कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाना चाहिए। इनमें की जाने वाली शल्य चिकित्सा सुरक्षित व कम समय वाली होती है और उसके कोई बुरे असर भी नहीं होते हैं। पुरुषों के लिए ऑपरेशन, जिसे हम नसबंदी कहते हैं, यह एक सरल ऑपरेशन है जिसमें उन नालियों को काट दिया जाता है जो शुक्र कोशों से शुक्राणुओं को लिंग तक लेके जाती हैं। पुरुष के शुक्र कोशों को नहीं काटा जाता है। इसे ऑपरेशन को हर उस स्वास्थ्य केंद्र में किया जा सकता है जहाँ प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी हों। इसे करने में केवल कुछ मिनट ही लगते हैं। दूसरी है चाकू रहित नसबंदी, नो स्केल्पल वासेक्टोमी, जिसे हम कहते हैं। यह एक नई प्रक्रिया है जिसमें त्वचा में चीरा देने की बजाय केवल एक छोटा सा छेद किया जाता है। इसमें दर्द कम होता है और इसके बाद स्वास्थ्य लाभ करने में कम समय लगता है और दुष्प्रभाव भी नगण्य होते हैं। नसबंदी के ऑपरेशन से पुरुष का पौरुष, संभोग करने की इच्छा व शक्ति, संभोग में संतुष्टि व सामर्थ्य आदि पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है और ना ही उसकी मर्दानगी या शारीरिक शक्ति कम होती है। पुरुष को इसके बाद भी वीर्य का स्खलन होता है, परंतु उसमें शुक्राणु नहीं होते हैं। नसबंदी करवाने वाले पुरुष सीढ़ियाँ चढ़ना जारी रख सकते हैं, साइकिल चलाना या खेत पर काम करने जैसे शारीरिक कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। महिला नसबंदी, फीमेल स्टरलाइजेशन। महिला नसबंदी का ऑपरेशन पुरुष नसबंदी के ऑपरेशन की तुलना में थोड़ा कठिन होता है, परंतु फिर भी यह एक बहुत सुरक्षित ऑपरेशन है। इससे लगभग 30 मिनट लगते हैं।
इसके लिए दो तरीके प्रयोग किए जाते हैं, मिनी लैप्रोटमी जिसे हम मिनी लैप्स बोलते हैं और लैप्रोस्कोपी। यह दोनों ही स्थायी साधन हैं और किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा ही किए जाने चाहिए। इस ऑपरेशन से महिला की संभोग की इच्छा या उसका आनंद उठाने की शक्ति कम नहीं होती है। परिवार नियोजन के आपातकालीन साधन। परिवार नियोजन के आपातकालीन साधन वे तरीके हैं जिनसे असुरक्षित संभोग के बाद या किसी गर्भ निरोधक की असफलता के कारण गर्भधारण से बचा जा सकता है। ये साधन निषेचित अंडे को गर्भाशय में स्थापित होने से रोकते हैं। ये तभी प्रभावी हैं जब इन्हें असुरक्षित संभोग के तुरंत पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र प्रयोग किया जाए। आपातकालीन साधन सुरक्षित व प्रभावी होते हैं, परंतु इनका नियमित प्रयोग गर्भ निरोधन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये आकस्मिकता की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध हैं। ये हैं आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियाँ या फिर आपातकालीन आईयूडी लगवाना। आपातकालीन गोलियां असुरक्षित यौन क्रिया के पश्चात 72 घंटे के भीतर ले लेनी चाहिए। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां वही संयुक्त गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिन्हें अनेक महिलाएं रोज प्रयोग करती हैं, परंतु आपातकाल में इनकी अधिक मात्रा थोड़े समय में लेनी होती है। चिकित्सीय गर्भपात MTP। जब किसी महिला को अवांछित गर्भ ठहर जाता है तो उसे सुरक्षित तथा कानूनी गर्भपात की स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। यह भारत में MTP एक्ट में गर्भपात कराने की शर्तों का उल्लेख है। भारत में 1971 में MTP एक्ट 1971 गर्भ समाप्ति कानून के अंतर्गत गर्भपात को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत उन परिस्थितियों को परिभाषित किया गया है जिनमें महिला गर्भ को समाप्त करके अनावश्यक मृत्यु से बच सकती है। इस कानून के अंतर्गत गर्भपात कराने की अनुमति है अगर गर्भ को जारी रखने से महिला के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को खतरे की आशंका है, यह खतरा हो कि पैदा होने वाला बच्चा गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता ग्रस्त हो सकता है, गर्भ बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुआ है या गर्भ परिवार नियोजन साधन के विफल होने के कारण हुआ है। यह 20 सप्ताह के भीतर करा लेना चाहिए। उसके बाद कराया गया गर्भपात अवैध माना जाता है। प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग का अनुभव रखने वाले पंजीकृत चिकित्सक ही गर्भपात कर सकते हैं। 10 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के लिए दो चिकित्सकों की सहमति आवश्यक है। यह गर्भ निरोध की पद्धति नहीं है, अतः इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहती है परिवार कल्याण कार्यक्रम में। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि वही है जो लोगों के बीच में सबसे संपर्क बनाए हुए होता है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चाहिए कि वह लोगों को दो बच्चों में जन्म के बीच 3 से 5 वर्ष के अंतराल के लिए प्रोत्साहित करे, अनचाहे गर्भ को रोकने के विभिन्न उपायों को व्यक्तिगत स्तर पर उनकी रुचि और ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करने की सलाह दे, दंपत्ति को परिवार नियोजन के सर्वोत्तम तरीके को चुनने में मदद करें, छोटे परिवार से होने वाले लाभ और देश में इससे होने वाले उनके योगदान के विषय में बताएं, गर्भपात की ज़रूरी सलाह अवश्य दें लेकिन आप स्वयं गर्भपात ना करें, पहले बच्चे के जन्म से पहले IUCD की सलाह ना दें और हर गर्भ निरोधक उपाय के लाभ और हानि की पूरी जानकारी दंपत्ति को अवश्य दें ताकि वे अपने अनुसार अपने हिसाब से कोई भी गर्भ निरोधक उपाय चुन सकें। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज आपने जाना परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में, इसमें क्या क्या रहता है। इसमें स्थायी और अस्थायी दो उपाय हमने जाने हैं जिसको मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसको अपना सकता है, जिससे जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वह उसको अपना कर परिवार नियोजन कर सकता है, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकता है तथा राष्ट्र को अपना योगदान दे सकता है। तो यह आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।